वेलकम टू माय चैनल 17th कैफे विद पिया। आज हम बनाएंगे रोटी चाउमीन। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए बनाते हैं। रोटी चाउमीन बनाने के लिए मैंने 2 लेफ्ट ओवर चपातीज ली हैं। अब हम इसको ऐसे रोल कर लेंगे। और एक नाइफ की हेल्प से इसको बारीक बारीक ऐसे काट लेंगे। ये देखिए, मैंने दोनों चपाती को चाउमीन की तरह कट कर लिया। अब मैंने पैन में 2 चम्मच ऑयल ले लिया। इसमें हम ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ जिंजर, बारीक कटा हुआ लहसुन, अब हम इसमें ऐड करेंगे अनियन, इसको 1 मिनट तक हम सॉटे करेंगे। कैरेट, अब 1 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कैप्सिकम। ग्रेटेड कैबेज। अब हम 2 मिनट तक इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, पकाएंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच टोमेटो सॉस, 1 चम्मच चिल्ली सॉस, 1 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच विनेगर। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे हल्का सा नमक, क्योंकि हमारी सॉसेस में नमक ऑलरेडी होगा तो हम इसमें थोड़ा सा ही नमक ऐड करेंगे। थोड़ी सी ब्लैक पेपर। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे हमारी चाउमीन और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तेज आंच पर। ये देखिए, बिल्कुल चाउमीन जैसी लग रही है ये, और खाने में भी ये बहुत टेस्टी होती है। बस इसको हम 2-3 मिनट तेज आंच पर पकाएंगे। 2-3 मिनट हो चुके हैं, अब हम अपनी गैस बंद कर देंगे। ये देखिए, हमारी इंस्टेंट रोटी चाउमीन बनकर तैयार हो चुकी है। आप इसे ज़रूर बनाएं और मज़े से खाएं।